ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए निर्वाचन आयोग की 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आगामी 5 विधानसभाओं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चुनाव दस्तक दे रहे हैं। एक तरफ चुनावों की जो तिथि है उसके ऐलान से पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे निर्वाचन आयोग द्वारा पूरा किया जा रहा है, तो कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। वहीं राजनीतिक दल भी अपने जो प्रचार है उसमें लगे हुए हैं। मिस्टर सिन्हा, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की और आज दोबारा एक अहम बैठक की स्वास्थ्य सचिव के साथ, जो स्थिति है उसकी समीक्षा की गई, तो टीकाकरण पर भी जोर दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, हमने देखा। तो क्या तैयारी आप कोविड की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग की देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनावों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जब कोरोना का समय था, पूरी दुनिया कोरोना से संक्रमित थी, उस वक्त चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया था बिहार में और ऐसा सफल चुनाव हुआ था जहां बिहार में कोरोना का संक्रमण फैला भी नहीं था और तमाम रैलियां भी हुई थी और बहुत लोकतांत्रिक तरीके से वहां चुनाव हुए थे। तो सबसे पहले कोरोना काल का पहला चुनाव पूरी दुनिया का बिहार था और वो केंद्रीय चुनाव आयोग ने बहुत ही सफलता के साथ कर दिखाया था, तो मुझे लगता है वो बधाई के पात्र है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं 5 राज्यों में, वो कोरोना काल में होने वाले हैं। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, चुनाव आयोग के पास वो स्टाफ है, चुनाव आयोग के पास वो विजन है, मुझे लगता है वो सफलता से करवा लेंगी। कल मणिपुर के तमाम अधिकारियों के साथ उनकी पूरी की पूरी बैठक हो चुकी है, चुनाव के लिए मणिपुर का भी आकलन कर लिया है, गोवा का दौरा हो चुका है, उत्तर प्रदेश का दौरा हो चुका है, तमाम राज्य के दौरे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने अपना आकलन कर लिया है। अब कोरोना के मद्देनजर कितने चरणों में कहां चुनाव करवाने हैं वो उनको तय करना है। वो ये तय करना है कि जो भी चुनाव मतदान अधिकारी जा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जो अधिकारी जिनकी नियुक्तियां होंगी चुनाव के दौरान, उनको कोरोना से कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में गाइडलाइन पहले भी जारी है, इसके बारे में राज्य सरकारों को भी निर्देश जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर चुनाव आयोग लोकतंत्र का झंडा बुलंद रखने में कायम रहेगा और एक बार फिर इस कोरोना काल में भी चुनाव, मुझे लगता है चुनाव आयोग सफलता से करवा पाएगा, ये मुझे लगता है देश की जनता को भी भरोसा है। निश्चित रूप से आपने बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र किया मिस्टर सिन्हा, तो कोविड ने इन 2 सालों में हमने देखा है कि चुनावों के परिदृश्य को बहुत बदला है और 2020 में ही जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान चुनाव आयोग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे और पिछले साल अप्रैल मई में जो चुनाव हुए उसमें ये दिशा निर्देश लागू हुए और उसके साथ नियमों में भी काफी बदलाव किए गए। तो थोड़ा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि चुनावों का परिदृश्य इस दौरान कितना बदला है, कितनी बड़ी चुनौतियां रही हैं और निर्वाचन आयोग ने जो समाधान तलाशे हैं, जो कदम उठाए हैं, वो कितने अहम रहे हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर क्या इस मामले में आपका आकलन कहता है? देखिए, चुनावी हिंसा से लड़ा है चुनाव आयोग। बिहार और यूपी जैसे इलाके जहां पर चुनावी हिंसा ही भारी रहती थी, जहां बाहुबली जितना जीता करते थे, उन बाहुबलियों का नामो निशान मिट गया है, लोगों के मन से डर मिट गया है, तो वहां कम से कम एक दिखने वाला शत्रु था। कोरोना एक अदृश्य शत्रु है जो दिखता नहीं है। आयोग ने लड़ने की तैयारी की है और मुझे लगता है सफलता से चुनाव भी करवाए हैं। बंगाल के समय भी कोरोना बड़ा था, आपने याद होगा, उस समय भी तमाम रैलियों पर रोक लगा दी गई थी, आखिरी समय पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह सबको अपनी अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ी थी बंगाल में आखिरी 3 चरणों के चुनाव में। एक बड़ा झटका तो था ही, लेकिन चुनाव आयोग ने कड़े फैसले लिए वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बार भी जो भी मतदान केंद्रों पर अधिकारी जाएं उनको डबल ही वैक्सीनेटेड रहें, मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर्स रहें, उनके साथ जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो पालन करने के गाइडलाइंस है, निर्देश जो भी गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग को से लेकर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसको फॉलो करना है, मतदान अधिकारियों को भी और जनता को भी और जो सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तमाम लोगों को, तो एक बड़ा विस्तृत गाइडलाइन है। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी उन्होंने रखा है कि जो भी वहां पर जाए वो डबल वैक्सीनेशन उनका पूरा हो चुका हो और कम से कम वहां पर सैनिटाइजर से लेकर वो तमाम सुविधा हो जो उनको कम से कम इस बीमारी से दूर रखने में मदद कर सके, ताकि वो लौट कर आने के बाद कोई संक्रमण न फैले। तो मुझे लगता है कि इन तमाम नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाकर चुनाव आयोग एक बार फिर से इन 5 राज्यों में चुनाव करवाएगा और स्वास्थ्य सचिव से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, लंबी मुलाकात हो चुकी है, तमाम राज्यों के
निर्वाचन आयुक्तों से उनकी बातचीत हो चुकी है, तमाम राजनीतिक दलों से उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक से दो दिनों में मुझे लगता है कि पांच राज्यों की विधानसभा का बिगुल बच जाएगा, चुनाव आयोग लगता है ऐलान कर देगा। जी, और असमंजस यही था कि चुनाव आयोग तारीखों के ऐलान में शायद देरी कर सकता है, लेकिन जब 30 दिसंबर को पिछले हफ्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल तय समय में चुनाव करवाने के पक्ष में हैं, तो इस बात से यह तय हो गया कि तय समय में ही चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। लेकिन चिंता वही कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, और खासतौर पर जब राज्यवार दौरा किया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तो उन्होंने स्थिति को भी समझा और टीकाकरण पर जोर दिया और साथ ही पूरी स्थिति का आकलन किया। ये अब समय रहने वाला है आगे आने वाले दो तीन महीनों का, इसमें राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारियां आपकी नजर में बनती हैं और एक आम मतदाता की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं जिससे कि कोरोना का संक्रमण ना फैले और चुनाव सफलतापूर्वक पूरे हों? जनता को भी, नेताओं को भी, चुनाव आयोग को भी, सबको इस दिशा निर्देशों का पालन करना है ताकि देश में कोरोना ना फैले। हमने पहले कोरोना की मार है 2 साल तक झेली है और दूसरे चरण का कोरोना भी हमने देखा है जब दूसरी लहर आई थी, जब देश पूरी तरह से संक्रमित था और कितनी मुश्किलें झेली हैं, फिर भी हम उस पर लड़कर काबू पाया है हमारे देश ने। और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है हमारे देश में दुनिया भर से आगे चल रही है और लगातार आगे चल रही है, और अब ओमिक्रॉन का जो खतरा है उसको लेकर जो लगातार तेजी से फैल रहा है, एक चिंता का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टियों ने जो वर्चुअल रैली की शुरुआत की थी, आपको याद होगा बंगाल के समय कुछ राज्यों में यहीं से लोग एड्रेस कर रहे थे, लोग जगह जगह अपने टीवी स्क्रीन पर वहां की जनता को दिखा रहे थे, छोटी छोटी टोलियों में डोर टू डोर कैंपेन की प्रक्रिया बीजेपी ने शुरू की थी ताकि लोगों को मनाया जा सके वोट देने के लिए, बूथ लेवल कमेटी जिनको बीजेपी शक्ति केंद्र कहती है वहां के लोगों को सक्रिय किया गया था, तो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं जहां कम लोग हों, ये ऐसी चीजें हैं जो कोरोना ने सिखा दी कि आप दूर रह के भी उनके पास कैसे पहुंच सकते हो। तो मुझे लगता है अगर अभी चुनाव का ऐलान होता है तो उसकी प्रक्रिया पूरी होने में, नॉमिनेशन में, क्या उम्मीदवारों के चयन में, मुझे लगता है अगर कुछ दिन लग जाते हैं उसके बाद ये ओमिक्रॉन जिस तरह से फैल रहा है अगर उस पर थोड़ा काबू पाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि चुनाव के पीक पकड़ते पकड़ते फिर से रैलियों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने अपनी रैलियां रद्द कर दी, आम आदमी पार्टी ने अपनी रैलियां रद्द कर दी है, पीएम की बड़ी रैलियां रद्द हो गई है, बीजेपी अपनी डोर टू डोर कैंपेन में लगी हुई है, छोटी छोटी सभाओं में लगी हुई है। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गया है कि अब बीमारी को फैले न देना है, मतदाताओं के सामने एक उदाहरण पेश करना है कि हम भी एक जिम्मेदार पार्टी है और हमें भी चिंता है देश की जनता की, मतदाताओं की। तो मुझे लगता है आम आदमी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि उसे एक अपनी ड्यूटी जिसे अधिकार और कर्तव्य कहते हैं, अधिकार उनके पास है तो हमारे नागरिकों को कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना संविधान सिखाता है, प्रीएम्बल भी लिखा है। तो मुझे लगता है अब जनता को भी थोड़ा सजग हो जाना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा इस भीड़ भाड़ से बचने के लिए। अमिताभ जी, 2017 में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में हुए थे, वहीं मणिपुर के चुनावों को 2 चरणों में विभक्त किया गया था, बाकी पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के एक एक चरण में चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार की स्थिति ऐसा आकलन किया जा रहा है कि हो सकता है पंजाब में भी कई चरणों में चुनावों को विभक्त किया जाए, उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से कई चरणों में चुनाव होंगे ही। क्या आकलन कहता है आपका कि जो बड़ी विधानसभाएं हैं वहां चरणों को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, यूपी में तो एक चीज होता है कि 7 से कम चरणों में चुनाव नहीं होंगे, बहुत बड़ा राज्य है, गाजियाबाद से शुरू होता है तो गाजीपुर में खत्म होता है, तो बहुत लंबी सीमा है, जिले बहुत ज्यादा है, विधानसभा सीटें भी 400 से ज्यादा है, तो कम से कम 7 से चरणों में होगा। अगर चुनाव आयोग बढ़ाता भी तो 8 चरण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है 7 चरणों में ही चुनाव होगा। और दूसरी बात, जो संकेत ये मिल रहे हैं, गाजियाबाद में पहले चरणों में चुनाव में होता था और गाजीपुर में आखिर में होता था, इस बार जो संकेत मिल रहे हैं मुझे लग रहा है इस बार गाजीपुर से शुरू होगा और गाजियाबाद में ही खत्म होगा। उत्तराखंड और गोवा में एक दिन में चुनाव होंगे। मणिपुर के संकेत हैं जो तमाम चुनाव आयोग की, वहां के चुनाव आयोग से बात हुई है, तो 2 चरणों में मणिपुर का चुनाव निपटाया जाएगा। और पंजाब हो सकता है कि हर बारी एक दिन में चुनाव वहां का मतदान पूरा हो जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंजाब काफी अस्थिर रहा है, किसान आंदोलन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, तो मुझे लगता है पंजाब में हो सकता है कि दोआब हो चाहे माझा हो, सब अलग अलग इलाकों में बांटकर हो सकता है पंजाब भी 2 चरणों में जाए इस बार। लेकिन अभी फिलहाल ये अटकलें ही कही जा सकती है, चुनाव आयोग ने मन बना लिया है, बस उनके ऐलान का इंतजार है, हो सकता है 1-2 दिन में रहस्य से पर्दा हट जाए। मिस्टर सिन्हा, निश्चित रूप से जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है तो चुनावों से जुड़े हुए और भी विषय आएंगे जिन पर आपसे चर्चा जारी रहेगी। आप आज चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे निर्वाचन आयोग की 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक
अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।